अच्छा सर, हम कुछ भी डिस्कशन आगे बढ़ाएं, ठीक है? कुछ मुझे बहुत छोटी छोटी चीजों का जवाब दीजिए। क्या ग्राफ सब लोगों ने पढ़ रखा है? ग्राफ जानते हैं ना, ठीक है? ग्राफ क्या होता है आपको याद दिला दूं, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ कि भाई साहब, इसको हम बोलते थे एक्स एक्सिस और इसको हम बोलते थे वाई एक्सिस। इस पर एक क्वांटिटी को प्लॉट करते थे और इस पर दूसरी क्वांटिटी को प्लॉट करते थे, तो बदले में प्लॉट करते टाइम आपको कोई ऐसे कर्व मिल जाता है ना, कोई ऐसे कर्व मिल जाता। इतनी बात तो क्लियर है ना, इसमें कोई समस्या नहीं है, ठीक? गुड। अच्छा तुम खुद ही सोचो, मान लो y है और ये x है और इनके बीच का क्या है ग्राफ, ठीक? समझ नहीं पा, आपको ग्राफ देख के पता चल रहा है कि x बदलने पर y की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मैं मान लिया देखो, अगर यहाँ x1 था तो y की वैल्यू कुछ y बनती है, बाद में वैल्यू बदल के हो गई x2 तो ये की वैल्यू क्या हो गई y। यानी ये क्लियर की बात है कि x बदलने पे y बदल रहा है, और अगर x बदलने पर y बदल रहा है, ठीक है? समझ में, तो पक्की बात है ना, x और y के बीच में कोई ना कोई मैथमेटिकल रिलेशन भी होने वाला है। अच्छा, उस मैथमेटिकल रिलेशन को क्या कहते हैं? फंक्शन। उसको क्या कहते हैं? फंक्शन। तो इनके बीच में कोई रिलेशन हो सकता है, ठीक है? तो ये ग्राफ असल में किसका होगा? y as a function of x का होगा, ठीक? समझ में। और ये रिलेशन आप जानते हैं, कुछ भी हो सकता है। अच्छा ये भी क्लियर है ना, ये x और y की जगह कुछ और भी हो सकता है, जैसे कि इसमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट और यहाँ टाइम, यहाँ वेलोसिटी और यहाँ टाइम, ठीक? समझ में, कुछ भी हो सकता है, तो आप कंफ्यूज नहीं हो। y एज अ फंक्शन ऑफ x की जगह कुछ भी, डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। कंफर्टेबल है? बिल्कुल, ठीक? समझ में आई बात? चलो, तो ये समझ में आ गया। तो जब भी कभी y एज अ फंक्शन ऑफ x को हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो मुझे एक कर्व मिल जाता है। मुझे क्या मिल जाता है? कर्व मिल जाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक, चलो। अब कर्व मिल गया मुझे, ठीक है? तो थोड़ा सा कर्व से जुड़ी हुई बातें, ठीक? मुझे बताओ, एक ऐसी लाइन जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। टेंजेंट, उसको क्या कहते हैं? टेंजेंट। जैसे मान लिया मैं कोई भी एक ऐसा सिंपल कर्व बना दूं, ठीक? समझ रहे? और एक ऐसी लाइन जो इसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करते हैं, काटे नहीं। देखो ये लाइन काट रही है और ये लाइन सिर्फ टच कर रही है, समझ रहे बात? अगर सिर्फ टच करते हुए निकले तो वो क्या कहलाता है? टेंजेंट कहलाता है। ये भी आप अच्छे से जानते हैं, आपने सर्कल चैप्टर में पुरानी क्लासेस में पढ़ा होगा टेंजेंट, ठीक? समझ में। तो अब हम आज की क्लास में देखेंगे कि जो डिफरेंशिएशन है वो असल में क्या था? रेट ऑफ चेंज था। तो रेट ऑफ चेंज का जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो क्या है? समझ में आया? ठीक, फिजिकल सिग्निफिकेंस का मतलब इसकी एक्चुअल जरूरत क्या है ग्राफिकली, ठीक? तो हेडिंग डाल दे अपनी कॉपी में, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। ज्योमेट्रिकल बातें करेंगे, दोबारा बोलना। हाँ, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है? ज्योमेट्रिकली क्या मतलब है? एक चीज और मैं फिर से बोल रहा हूँ, देखो, ठीक? हम एक बार हम आपको बुला रहे हैं, ठीक है? तो उसके पीछे कारण ये कि देखो आप अपने डाउट्स पूछ सकें हमसे, ठीक? तो किसी भी बात पे जरा भी डाउट हो, मेरी कोई भी बात ऐसी लगे जो आपको नहीं समझ में आ रही है, तुरंत पूछें, ठीक है? आपको अच्छा डिस्कशन मिलेगा तो आप धीरे धीरे फील कर जाएंगे, ठीक है? और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि देखो हर बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग है ना भाई, हमारे हाथ की देखो पांच उंगलियां सेम नहीं होते, हर उंगली की अपनी खास बात है, अपना अलग फंक्शन है। ऐसे ही बच्चों के साथ है, आपको ये चीज़ समझनी ही पड़ेगी कि भाई जैसी लर्निंग कैपेबिलिटी कबीर की होगी वैसे मैं की नहीं होगी, जैसे मैं की होगी वैसे आपकी नहीं होगी, जैसे आपकी है वैसे आपके पड़ोसी की नहीं होगी, ठीक? समझ में, जैसा मैं सोचता समझता हूँ कोई ज़रूरी थोड़ी कि मेरा भाई भी वैसा ही सोचे समझे, है ना? ठीक, हम सब अलग अलग लोग हैं, ठीक है? तो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझें कि आप जो है अपने डाउट जरूर पूछें क्लास में, ठीक? और इसको हैबिट बनाएं,
सोचते रहोगे ना तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती रहेंगी और तुम्हें फिर सब्जेक्ट अच्छा आने लगेगा। तुम नहीं पूछोगे तो थोड़ा डाउट, फिर थोड़ा और डाउट, फिर थोड़ा और डाउट, और 15-20 दिन में इतना डाउट हो जाएगा कि फिर तुम्हारी हिम्मत टूटने लगेगी। क्यों? क्योंकि पेपर लगातार 15 दिन कुछ नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत है। ऐसे क्या है कि एक बात नहीं समझ में आई, मैंने पूछ लिया, ठीक सर। और आप लोग 3-4 लोग हैं तो कोई इशू भी नहीं है, ठीक है, हो सकता है, ठीक। मोटिव ये था कि भाई 2-3 बच्चे आएंगे तो वो बिल्कुल क्लासरूम की तरह डिस्कशन कर लेंगे, तो वीडियो भी सही बन जाएगी और ये जो बाकी बच्चे इसको ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी अच्छा समझ में आए, ठीक समझ में आते हैं, इसके लिए बिल्कुल प्रॉपरली कम्फर्टेबल रहें, डाउट्स पूछते हैं, ठीक। तो जैसे मान लो, सोचो मैंने एक रिलेशन लिखा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मैंने एक रिलेशन लिखा वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक समझ में आए, ठीक। अब है क्या कि मान लो जब x की वैल्यू कुछ x इनिशियल थी तो y की वैल्यू कुछ y इनिशियल बन गई, जब x की वैल्यू बदल के x फाइनल हो गई तो y की वैल्यू बदल के y फाइनल हो, ठीक समझ में। हम ये भी जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज भाई साहब दो तरह का होता है ना, एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक समझ में। एक बार अगर मैं तुमसे बोल दूं कि बताओ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक समझ में, तो अगर आपको एवरेज रेट लिखना हो तो एवरेज रेट क्या लिखोगे, चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, बोलते रहे बढ़िया से, ठीक है, बोलते रहेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ भाई आपको आ रही है, ठीक है समझ में। जितना बोलोगे उतना ही तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअल में आता है कि नहीं आता, ठीक समझ में। भाई रेट फिर से तुम्हें याद दिला दूं, मैं कैसे निकालते थे, मैं आप तुमसे बोल दूं कि भाई साहब 10 किलो आलू का दाम 100 रुपए है, तो आलू का रेट कैसे निकालते हैं भाई, एवरेज 100 / 10 यही कहते हैं ना, ठीक। तो ऐसे ही है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कैसे करेंगे, y डिवाइडेड बाय x है ना, y कितना बदला डिवाइडेड बाय x कितना बदला, ठीक समझ में। तो आज मैं यही लिखूंगा मैं, ठीक क्या लिखूंगा, चेंज इन वैल्यू ऑफ y, चेंज कैसे निकालते हैं, बाद वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू माइनस कर देते हैं, ठीक, यानी क्या y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल, यही हुआ ना रेट ऑफ चेंज, ठीक समझ में। अब जो मैंने बोला है, ठीक है, इसी बात को हम ग्राफ से देखते हैं, इसी बात को किससे देखते हैं, ग्राफ से, ठीक। चलो अब मान लिया y अपना फंक्शन ऑफ x था और मैथमेटिकली मैंने जो है ग्राफ ऐसे बना दिया, कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, ठीक। मान लिया मैंने ये ग्राफ बना दिया, ठीक, ये है y और ये है x और मुझे एक रिलेशन मिल रखा है y एज अ फंक्शन ऑफ x, इसका मैंने ग्राफ बना दिया, ठीक समझ में। अब बहुत ध्यान से देखो, आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री याद है ना, सोचो मान लिया ये x इनिशियल था तो ये कुछ ना कुछ क्या रहा होगा, y, ठीक समझ में। अच्छा ये मान लिया एक वैल्यू ये ले लेता, ये कुछ है ना, ठीक, ये मान लिया कुछ x फाइनल है तो ये कुछ रहा होगा y, ये कुछ रहा होगा y, ठीक समझ में, ठीक। तो रेट ऑफ चेंज क्या निकला, जल्दी बोल दो, y फाइनल माइनस y इनिशियल यानी चेंज इन वैल्यू ऑफ y डिवाइडेड बाय चेंज इन वैल्यू ऑफ x, ठीक। बहुत ध्यान से देखो इसका मतलब, ठीक सोचो अगर मैं एक लाइन ऐसा ड्रॉ करूं बिल्कुल सीधी, ठीक समझ नहीं पा, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं बिल्कुल तो मुझे बहुत ध्यान से सोच के बताना ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सेम होंगे कि अलग होंगे,
सेम होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, कोरेस्पॉन्डिंग होंगे, बोलते रहें ठीक है। आपको याद ना हो बेसिक सा ये है तो ये थीटा क्या है सही, तो कोरेस्पॉन्डिंग एंगल है ठीक। चलो ठीक, इतना समझ में आया नहीं आया कोई दिक्कत? चलो अब बहुत ध्यान से देखना, बोलो ये यहां से यहां तक वैल्यू कितनी है y फाइनल, हां कि ना? अरे ये यहां से यहां तक कितनी है y फाइनल, बहुत ध्यान से देखो ठीक क्लियर है। अच्छा और देखो ध्यान से, ये यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है y फाइनल। अच्छा सिर्फ ये यहां से यहां तक कितना है y इनिशियल, कितना है y इनिशियल, क्लियर है ना भाई? ये y इनिशियल, ये y इनिशियल ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को? कोई? अच्छा तो सिर्फ ये हाइट कितनी है? y फाइनल माइनस y इनिशियल, y फाइनल माइनस y इनिशियल, समझ में आया नहीं? अच्छा अब देखो अगली बार, ऐसे सोचो ये यहां से यहां तक कितना है x फाइनल, कितना है x x फाइनल, और ये यहां से यहां x इनिशियल, x इनिशियल, तो ये कितना x x माइनस x माइनस x इनिशियल ठीक, समझ में आई बात ठीक। थोड़ा सा इसका नामकरण करते हैं, a b c और इस पॉइंट को बोल देता हूं d ठीक है, दो ओरिजिन है ठीक। क्या ट्रायंगल a b c एक राइट एंगल ट्रायंगल है? यस सर, यस सर ठीक। तो इन ट्रायंगल ए बी सी टेंजेंट थीटा क्या लिखा जाएगा? टेंजेंट थीटा लिखा जाएगा परपेंडिकुलर टू बी सी, यानी कि बी सी डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि ए बी बी, यानी कि क्या ए बी, ऐसा आपने बताया ना? गुड ठीक। अच्छा मुझे बताओ बी सी कितना है? y फाइनल माइनस y इनिशियल, गुड, y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइडेड बाय x कितना है? x फाइनल माइनस x इनिशियल, x फाइनल माइनस x इनिशियल, क्लियर है ना? yes. क्या ये बात देखिए, देखिए सी बोर्ड पे देखो, यस सर, है ना? यानी कि क्या ये असल में एवरेज रेट ही है? यस सर, ये असल में क्या है? एवरेज रेट है, ये असल में क्या है? एवरेज रेट है भाई, यहां से लेकर के यहां तक एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे पता चल गया? इस एंगल से, इस एंगल, यानी सोचो अगर मैं तुम्हें ग्राफ दे दूं x इनिशियल x फाइनल y इनिशियल y फाइनल ना ठीक, समझ में? सिर्फ क्या दे दूं? ग्राफ दे दूं ठीक, और ये एंगल दे, और क्या दे दूं? तो क्या तुम ये रेट ऑफ चेंज सीधा लिख सकते हो? सीधा टेंजेंट थीटा ही क्या होगा? रेट ऑफ चेंज लॉजिकली ठीक है। बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बात देखो, यहाँ देखो, मान लो मैं तुम्हें कोई भी ऐसे रैंडम सा ग्राफ दे दूं, वही देखो ठीक, मैं बोल दूं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में रेट ऑफ चेंज बताओ, क्या बताओ? रेट ऑफ चेंज, पॉइंट ऑफ चेंज में क्या होगा? इन दोनों को ऐसे मिला दो तो भाई साहब ये जो एंगल है ठीक है, ये एंगल मान लो क्या हो? थीटा, मान लो थीटा मेरे को पता है, मान लो थीटा मेरे को, तो क्या टेंजेंट थीटा ही रेट ऑफ चेंज है? देख लो टेंजेंट थीटा ही असल में क्या है? रेट ऑफ चेंज ठीक, समझ में आया? कोई दिक्कत? तो तुम्हें कोई भी ग्राफ दिया होगा ठीक, मान लो ऐसे कपड़े ग्राफ दिया होगा, तुमसे बोले बताओ यहां से यहां के बीच में रेट ऑफ चेंज क्या होगा? तो कुछ नहीं, इन दो पॉइंट्स को मिला दो और इस एंगल का जो टेंजेंट है वही क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्या इतनी बात समझ में आई? यस सर ठीक, बोर्ड पे सारी बातें देख लो और एक बार छाप लो ठीक है, फिर मैं लिखवाता हूँ कुछ खास बातें ठीक, ये मत बताना मिटान उतारना और ये मत उतारना ठीक, एक बार ये उतार लें फिर हम लिखते हैं अच्छे से चीजों को।
tangent theta असल में क्या है? Rate of change. अच्छा ये कैसा rate of change है? Average. कैसा rate of change? Average में तुम खुद ही देखो, जो y में परिवर्तन है वो भी बड़ा है और x में परिवर्तन है वो भी बड़ा है. ठीक समझ में आया? ठीक, जो x में चेंज है वो भी क्या है? बड़ा है. और y में चेंज है वो भी क्या है? बड़ा है. तो अगर दोनों चेंजेस बड़े हैं तो इसका मतलब ये है कि ये कैसा चेंज रेट ऑफ चेंज हुआ? एवरेज रेट ऑफ चेंज हुआ. कैसा रेट ऑफ चेंज हुआ? एवरेज. अच्छा अगर ये बहुत छोटे छोटे चेंजेस होते तो क्या होता? इंस्टेंटेनियस. अरे अगर x की वैल्यू में भी छोटा परिवर्तन हो और y की वैल्यू में भी छोटा परिवर्तन हो तो डेल्टा y / डेल्टा x की जगह क्या लिखते हैं? dy / dx. तो यही तो इंस्टेंटेनियस है. यही क्या है? इंस्टेंटेनियस. अब जो पढ़ा है उसको बहुत ध्यान से ग्राफ कर देते हैं. ठीक, तो मैंने आपको क्या कहा था? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है? अगर एवरेज की बात हो तो, अगर एवरेज की बात हो तो क्या है? डेल्टा y / डेल्टा x, यानी चेंज इन y, चेंज इन y यानी y फाइनल माइनस y इनिशियल बाय में x फाइनल माइनस x इनिशियल. अब इस बात के लिए मैंने ग्राफ बनाया. मेरे पास एक रिलेशन था y is equals to fx का, मैंने ग्राफ बना लिया बढ़िया मस्त. ठीक समझ में? कोई भी शेप हो सकती है. ठीक है, अब मैंने ऐसे बनाया तो मॉडल डिजाइनर बना, उसने मुझे देखकर नहीं ये शेप चाहे जैसे बनाओ, वो तो डिपेंड करता है ना कैसा रिलेशन है. ठीक, इधर y प्लॉटेड है और इधर x प्लॉटेड है. अच्छा यहाँ हमेशा y और यहाँ x होगा या बदल सकता है? बदल सकता है. ठीक, डिपेंड करता है ना. जैसे IPL में जब आप मैच देखते हैं तो यहाँ रन प्लॉट होता है और यहाँ ओवर प्लॉट होता है. बदल सकता है सही. और अलग अलग टीम के हिसाब से कैसा वो खेली है, अलग अलग टीम्स के लिए ग्राफ का शेप अलग अलग बनता है. ठीक, देखो जो पढ़ रहे हो ना उसको रिलेट करना सीखोगे तो अपनी डेली लाइफ में कहाँ देखते हो. ठीक है, जब तक तुम वो लिंक नहीं सीखोगे तब तक तुम इस्तेमाल करना नहीं सीख पाओगे कंसेप्ट को. ठीक, इसीलिए मैं बहुत जोर देता हूँ आप जो भी पढ़ें जो भी सीखें उसको देखें कि वो रियल लाइफ में कहाँ इस्तेमाल होता है. ठीक है, तुम्हें हमेशा याद आना चाहिए कि जहाँ ये सर ने बताया था देखो यहाँ पे लग रहा है. ठीक समझ में? जब मैंने ग्राफ बोला तो मैंने वाई और एक्स बनाया तो आपके दिमाग में कुछ ग्राफ अपने आप आ जाने चाहिए जो आपने देखे. ठीक है, चलिए आजकल COVID-19 चला हुआ है तो आजकल अलग अलग कंट्रीज में देखो कोरोना का ग्राफ है ना, पर डे इतने केसेस आ रहे हैं. ठीक, अब उनको भी सोचो कल जो है 6500 केसेस आए हैं 6500. ठीक समझ में? ठीक, तो ये क्या है 6500 केस पर डे, ये कल का रेट है या एवरेज रेट है? कल का है. फिर उसके एक दिन पहले 5500 आए थे, उसके एक दिन पहले 4500 आए थे. ठीक समझ में? तो ये तो पर डे का रेट है ना. ठीक, एवरेज रेट क्या पता कुछ और, एवरेज रेट क्या पता कुछ और. ठीक समझ में? एवरेज रेट मान लिया मेरे को बताना है संडे से लेके सैटरडे तक एवरेज रेट कितना है. ठीक, तो मान लिया संडे से सैटरडे तक, ठीक प्रॉपर एक हफ्ता बीत चुका है. ठीक समझ में? तो जितने केसेस आए डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डेज, यही करेंगे ना. चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई डिवाइडेड बाई चेंज इन वैल्यू ऑफ एक्स, यही करेंगे ना. आसान है ग्राफिकली अगर बताना ये पॉइंट यहाँ नंबर. ठीक ठीक, ये पॉइंट बोल देते हैं ए, ये पॉइंट बोल देते हैं बी. तो अगर आप ग्राफिकली बात करें तो ये जो एंगल है थीटा, असल में टेंजेंट थीटा ही क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज. असल में टेंजेंट थीटा ही क्या है? एवरेज रेट ऑफ चेंज. ठीक समझ में आया? कैसे देखा था हमने याद करो, मैंने बोला था कि भाई साहब मान लिए ये एक्स इनिशियल, ये यहाँ से ये है एक्स इनिशियल और ये है वाई इनिशियल. बाद में ये वैल्यू बदल के कितनी हो गई जल्दी जल्दी हमने ये ट्रायंगल क्या कर दिया था कंप्लीट, ये एंगल क्या था सेम. ठीक समझ में?
अच्छा सोचो ध्यान से, ये बड़ी वैल्यू है डेल्टा एक्स, ये भी बड़ी वैल्यू है डेल्टा वाई वाई, ये सब बड़ी वैल्यू है, ठीक समझ में कोई दिक्कत ठीक। अच्छा तुम खुद ही सोचो, मान लो एक्स में परिवर्तन छोटा हो और वाई में भी परिवर्तन क्या हो, तो क्या ये दो पॉइंट पास आ जाएंगे? क्या ये दो पॉइंट क्या आ जाएंगे? पास आ जाएंगे लॉजिकली। एक नए ग्राफ में देख लो, मान लियो मैंने भाई सोचो ध्यान से, ये इनिशियल वैल्यू ये फाइनल वैल्यू ठीक। अब की बार चेंजेस क्या है छोटे, अब की बार सोचो x में भी छोटा चेंज है और y में भी, तो दोनों पॉइंट क्या आ गए पास, दोनों पॉइंट क्या आ गए पास। अच्छा अगर और छोटा चेंज हो तो और पास, और छोटा चेंज हो तो और पास, चेंजेस अगर बहुत छोटे हो जाएं तो क्या दोनों पॉइंट चल सकते हैं एक दूसरे से, है ना, दोनों पॉइंट एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे चल जाएंगे बिल्कुल। यानी अगर एक्स में भी बहुत छोटा चेंज हो और वाई में भी बहुत छोटा चेंज हो तो ये पॉइंट एक दूसरे के क्या लेंगे पास 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 पास, और करते 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 एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाएंगे चढ़ जाएंगे, करते करते एक दूसरे पे क्या हो जाएंगे चढ़ जाएंगे। तब जब तुम लाइन खींचोगे वो इस तरह का कॉर्ड मिलेगा या टेंजेंट मिलेगा, टेंजेंट मिलेगा ठीक। अब तुम खुद ही सोचो, अगर x में बहुत छोटा परिवर्तन हो तो क्या लिखते हैं dy, और y में बहुत छोटा परिवर्तन हो तो क्या लिखते हैं dx बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं dx, और रेट ऑफ चेंज क्या होता है dy by dx। ये कैसा रेट ऑफ चेंज है, एवरेज है या इंस्टेंटेनियस है? इंस्टेंटेनियस है। कैसा चेंज है? इंस्टेंटेनियस चेंज है। तो सोचो अगर तुम इंस्टेंटेनियस चेंज के लिए लाइन खींचो, ठीक है समझ में आया, तो लाइन क्या मिलेगी, कॉर्ड मिलेगी या टेंजेंट हो जाएगी, क्या मिलेगी टेंजेंट मिलेगी, गुड ठीक है। यानी सोचो ये बना वाई, ये बना एक्स, और ये कोई भी ग्राफ है ठीक है, समझ नहीं बात। अगर मेरे को बोला गया यहाँ पर dy by dx बताओ, क्या बताओ यहाँ पर dy by dx, तो सुनना यहाँ से मैं सीधा क्या निकाल दूंगा टेंजेंट निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा टेंजेंट निकाल दूंगा, क्या निकाल दूंगा टेंजेंट। और अब की बार जो टेंजेंट थीटा है वो क्या बताएगा dy by dx, यानी कॉर्ड का टेंजेंट थीटा एवरेज रेट बताता है ठीक, समझ में आया। और सिंपल सिंपल किसी पॉइंट पर टेंजेंट डाल दो ठीक है, उसका टेन थीटा क्या बताता है इंस्टेंटेनियस, क्या बताता है इंस्टेंटेनियस, दोनों में अंतर। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर x में बहुत छोटा चेंज हो और y में बहुत छोटा चेंज हो तो दोनों कहां आ जाएंगे पास, अगर भयंकर छोटा चेंज हो तो दोनों पॉइंट भयंकर पास आ जाएंगे, और उस समय आपको कॉर्ड मिलने की जगह क्या मिलेगा टेंजेंट, क्या मिलेगा टेंजेंट, समझ में ठीक समझ में। और ये जो मैं tan थीटा लिखता हूं ना, ये जो मैं क्या लिखता हूं थीटा, अगर आपको कोई पुरानी बात याद हो तो इसको याद है स्लोप बोलते थे, क्या बोलते थे स्लोप बोलते थे, क्या बोलते थे समझ में बात ठीक समझ में। तो सिंपल सी बात है सुनना, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताता है dy by dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बताता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या बताता है डेल्टा y by डेल्टा, समझ में आया ठीक समझ में ठीक। क्या बताता है dy by dx, dy by dx बोले तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है। अब जो बताया वो देख लें ठीक। सबसे पहले ये डायग्राम सिर्फ ये बना, सिर्फ ये आगे कुछ मत देखना, सिर्फ इधर की चीजें बनाओ ठीक, नहीं दोबारा से दोबारा से ना। कई बार बच्चों को लगता है क्या मास्टर बार बार बोले, तुम जितना बनाओगे क्लास में जितना काम करोगे उतनी ही क्लियरिटी आएगी तुम्हें ठीक है, नहीं तो बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। अच्छा जैसे आप कहते हैं कि हम मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं ठीक, हमें जरूरत है इन चीज़ों की।
clearly observe that we can clearly observe that if change in value of if change in value of x and y is large if change in value of x and y is large then slope of chord drawn between the points A and B points समझ रहा है ना जो graph की में है ठीक है drawn between the points slope of chord drawn between the points A and B slope को underline कर लीजिएगा slope of chord को बहुत important बात है ठीक है slope of chord drawn between A and B gives average rate of change between A and B बहुत इंपॉर्टेंट बात है हर जगह इस्तेमाल होगी ठीक है समझ में आई बात ठीक यानी ग्राफ पे कॉर्ड डाल के स्लोप निकालो तो वो एवरेज रेट है ठीक समझ में आया चलो अब अगला पॉइंट देखो इसको हिंदी में लिखो प्रॉपर ठीक अगर एक्स और वाई की वैल्यू में हम चेंज को कम करना शुरू करें अगर हम x और y की वैल्यू में चेंज को कम करना शुरू करें तो क्या होगा जल्दी बताओ a और b एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे a और b एक दूसरे के पास आना शुरू हो जाएंगे ठीक और अगर ये चेंजेस अच्छा बहुत छोटे चेंज के लिए मैंने एक नाम दिया था डिफरेंशियल चेंज ठीक है तो अगर ये चेंजेस डिफरेंशियल चेंज को अंडरलाइन करें अगर ये चेंजेस डिफरेंशियल चेंज हुए तो दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ जाएंगे ठीक ऐसा हमें लगेगा सही बताऊं तुम एक बढ़िया माइक्रोस्कोप लेकर के देखोगे तब भी कुछ ना कुछ दूरी तो रहेगी अरे जैसे हमारे सेल के ऑर्गेनल्स हमको नहीं दिखते हैं भाई यहाँ कहीं जो सेल है उसके अंदर मौजूद राइबोसोम न्यूक्लियस हमको अलग अलग नहीं दिख रहा है हमारे तो सब क्या है एक ही है लेकिन अगर पूरा माइक्रोस्कोप लेके चढ़ जाऊंगा बढ़िया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो क्या पता ये सब क्या दिखाई दें अलग अलग दिखाई दें ठीक समझ में ठीक तो हमें ऐसा लगता है कि वो चढ़ गए रियलिटी वैसी नहीं है ठीक पहली बात तो ये समझ हाँ तो क्या मैंने बोला ए और बी पॉइंट एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे और इस केस में हमें क्या मिलेगा जल्दी बोल दो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलेगा और इस केस में हमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मिलेगा बस क्या है ग्राफ बनाओ ठीक मेरे को बोला गया इस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज बताओ तो भाई साहब बस मैं यहाँ पे ऐसे टेंशन डाल दूंगा ये भाई ये एक्स और अब की बार जो ये टेंजेंट थीटा है ये क्या है डी वाई बाई डी एक्स क्या ये बात पूरी तरह समझ में आ रही है चलो मुझे जल्दी बोलो कॉर्ड का स्लोप एवरेज गुड टेंजेंट का स्लोप इंस्टेंटेनियस ऐसा क्यों हुआ गुड क्योंकि चेंज कम हो जाएगा तो क्या होगा दोनों पॉइंट एक दूसरे के ऊपर अच्छा वो असलियत में चढ़ते हैं कि हमको लगता है सारी बातें समझ में आ गई तो बस आप ये ग्राफ बना लें सुंदर सा और आखिरी पॉइंट नीचे लिख लें क्या लिखेंगे कर्व पे डाले गए हिंदी में लिखें कर्व पर डाले गए टेंजेंट का स्लोप कर्व पर डाले गए टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है जल्दी बताओ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बताता है
ठीक ये बना लेंगे नीचे ठीक। क्या पूरी कहानी समझ में आ गई? ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया? एक बार घर जाएंगे रिवाइज कर ठीक। अभी मैंने बस